क्या बात है, आज बहुत प्यार बरस रहा है? आज आज मौसम ही कुछ ऐसा है। क्या कर रहे हो, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? दिमाग तो ठीक है मेरा मैनू, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे आंगन में भी कोई फूल खिले। इतने सारे फूल खिले हैं यहाँ, और कितने चाहिए तुम्हें? मैं इन फूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो? मैं तो उन फूलों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे आंगन में खिलेंगे। जवानी में तो तुमसे कोई फूल खिला नहीं, इस उम्र में क्या खिलाओगे? जब देखो हंसती रहती है, मटकती रहती है। मटक नहीं रही हूँ, बाजार गई थी सब्जी लाने। जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। जाती हूँ। मैनावती दे दे मुझे, दे दे। ये क्या शोर शराबा लगा रखा है? ये शोर शराबा नहीं है, ये आपके आने की खुशी में पटाखे चलाए जा रहे हैं। शट अप यू ब्लडी सर्वेंट। अरे रमेश, रमेश, रमेश तू बहू को लेकर आ गया। अरे अरे चंपा, चंपा जल्दी से आरती लेकर आ। नहीं नहीं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ये सब पुरानी रस्में हैं, मुझे इनमें विश्वास नहीं है। मुझे तो अंदर जाके ठंडे पानी से नहाना है। चलो डाले, अंदर चलते हैं। हाँ हाँ बहू, चलो। क्या है ना, ये नए ख्याल की लड़की है। हे भगवान, इतना लंबा सफर, मेरा तो अंग अंग टूट रहा है। थक गई हो तो पैर दबा दूं डार्लिंग? इफ यू डोंट माइंड। ऑफ कोर्स नॉट। रमेश भैया क्या है? मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। क्या जमाना आ गया, 40 साल हो गए इस देश को आजाद हो गए, फिर भी आज तक हमारे देश के पति चोरों के गुलाम बने हुए। सच्चे ना रमेश भैया? तू बकवास बंद करो, चाय पिला। ये लो, वही करने जा रहा था, आप पी लीजिए। क्या हुआ मेम साहब? क्या हुआ? कितनी बढ़िया चाय बनाई है। क्या बात कर रही है मेम साहब, मेरे हाथ की बनाई हुई चाय पीने के लिए गांव-गांव से लोग आते, आप उसे वाहियात कहती है। मेरे ख्याल से आपका मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। आपके पति डॉक्टर है ना, उनसे जरा चेकअप करवा लीजिए। ब्लडी सर्वेंट आपको बुला रही है जी। मैं तुझसे कह रही हूँ, दो फौड़ी के नौकर तुझसे। देखो मेम साहब, मेरा नाम नौकर नहीं, मेरा नाम है पांडव जबान लड़ाता है, गधा कहीं का। क्या जमाना आ गया है, खुद नाक मारते हो और मुझे गधा कहते हो। रमेश पांडू, ये सब क्या है? देखो ना भाभी, ये नौकर मत। मेरा नाम नौकर नहीं, मेरा नाम पांडू। सही है, अपने मालिक से इस तरह बात नहीं करते, जाओ अपना काम करो। टांग तो पहले से ही टूटी हुई थी, अब कमर भी टूट जाएगी। लो जी तुम्हारा माल तो लद गया, अब मेरे पैसे निकालो। तो राम जी ये 2 लाख राम, 2 लाख रुपया, 2 लाख राम जी, 2 लाख रुपए हिसाब में लिख दो। वही खाते में लिख दे कि गोदाम में आग लग जाने से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। लेकिन तोता राम जी, तू बोलेगा कि पिछले महीने खेत में आग लग गई थी, उससे पिछले महीने पानी के कुएं में आग लग जाने से सारे पंप चल गए थे, मगर इस महीने में भी आग। अरे रामलाल बाल को ठीक से पानी दिया। पांडू, मेरा पति दिन रात खटता है और तुम लोगों को जरा भी फिक्र नहीं, कितना नुकसान हो गया है नालायक कहीं का। सुनो, ये क्या कर रही हो तुम? पांडू हमारा पुराना नौकर है और तुम उस पर हाथ उठा रही हो? तो पूछो अपने पुराने नौकर से कि खेत में गोदाम में कुएं में आग कैसे लग गई। आग लग गई? अरे पिछले 2 सालों में खेत गोदाम तो दूर, पूरे गांव में कहीं आग नहीं लगी। शुरू ये मैं नहीं कह रही, ये बही खाता कह रहा है, इसमें लिखा है कि आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ, ये बही खाता कौन लिखता है? मुनीम जी। अरे मुनीम जी, ये हफ्ता मेरा कैसा निकलने वाला है जरा पढ़कर सुनाइए। आपके राहु की अमंगल दशा अब शुरू होने ही वाली है। मुनीम जी। जी जी मालिक। इस बही खाते में क्या लिखा है जरा पढ़िए तो। जियो अनाज गोदाम। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, जो लिखा है उसे ठीक ठीक पढ़ते क्यों नहीं, पढ़िए जल्दी। जियो अनाज के गोदाम में आग लगने से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अरे लगता है तेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है, यहाँ तो लिखा है कि बिक्री से 2 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है और तू नुकसान करवा रहा है, नमक हराम कहीं का। मामा जी, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुनीम जी साफ साफ बताइए, क्या गोदाम में आग लगी थी? जी वो मैं तो मुझे तो तुम ऐसे नहीं बताओगे। पांडू
मेरा चाबुक कहाँ है? आज के इस मामले में चाबुक का कोई काम नहीं। ये देखो बंदूक, इसमें असली गोलियां भरी हुई है। गोली अंदर, सच बाहर, मार दो। अब बोलिए मुनीम जी, सच क्या है? आपने झूठा बही खाता लिख लिख कर कितने रुपए का गबन किया है? मालिक, मैंने कोई गबन नहीं किया, ये सब तोता राम जी ने किया है। मामा जी, मामा जी, भागने की कोशिश मत करना मामा जी, वरना पागल कुत्ते की तरह गोली मार दूंगा। मैं तेरा इकलौता मामा हूँ, मुझे मत मार। नाटक बंद करो मामा जी, और ये बताओ कि चुराए रुपए तुमने कहाँ रखे हैं? ये सब क्या हो रहा है? अरे बहना, मुझे बचा लो बहना, तेरी छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। माँ, तुम्हारा भाई समझकर सारे हिसाब किताब की जिम्मेदारी में रहने दी, और इन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया और लाखों रुपए का घोटाला किया। मैं सुबह का भूला शाम को वापस खड़ा गया हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उठो भैया, जाने दे बेटा, जो हो गया सो हो गया, इसे माफ कर दे। माफ कर दे? ठीक है माँ, तुम कहती तो मैं माफ कर देता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इन्होंने अगर सिर्फ आपको धोखा दिया होता तो बात अलग थी, लेकिन आपकी देवी जैसी माँ को धोखा दिया है, इन्हें कैसे माफ किया जा सकता है? बिल्कुल सही माँ, तुम बिल्कुल भोली हो, इसलिए सभी तुम्हें धोखा देते हैं। इस जैसे आदमी को तो माफ करना ही नहीं चाहिए। सच सच बताइए मामा जी, चुराए रुपए तुमने कहाँ रखे? नहीं तो मैं गोली मत चलाना। साफ 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 साफ। अरे मेरी कमरे में सांप आ गया, सांप आ गया। गट्टा, गट्टा नहीं दूंगा। मैं गट्टा नहीं दूंगा, अंदर सांप घुसा हुआ है। ये क्या शोर मचा हुआ है? इस बिस्तर में सांप घुसा है बेटा। अरे ये तो बड़बड़ा रहा है, पागल है, रस्सी को भी सांप समझता है। अगर इस बिस्तर से सांप नहीं निकला ना, तो बेशक आज ही मुझे पागल खाने भेज देना। अरे इस पागल को बड़बड़ाने दे, तू मेरी बात सुन। पांडु, तू बिस्तर बाहर ले आ। अरे राजू बेटा, मैं मानता हूँ मेरे बिस्तर में सांप है, लेकिन वो मेरा पालतू सांप है, मेरा प्यारा प्यारा पालतू सांप, जिसे मैंने 15 साल से बिस्तर में पाल के रखा है मेरे बच्चे की तरह। बिस्तर से उठिए, उठिए। क्या मेरी बात का भरोसा नहीं? तुमने मेरा अपमान किया है, मेरे नाग देवता का अपमान किया है। अब मैं इस घर में एक मिनट नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ अपने नाग देवता को साथ लेकर, इस दुनिया से दूर, बहुत दूर। चल बैनावती, जहाँ नहीं चेहरा वहाँ नहीं रहना। ठहरो मामा जी, ठहरो। पांडु इधर आओ और ये बिस्तर ले लो। अरे मैं बिस्तर नहीं लूंगा, जो कर लो, नहीं खोलने दूंगा, जो मर्जी खोल दे, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा। अरे मेरा साहब, बंदूक दिखा कर डराता है। आप इतनी नीच हरकत कर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपको तो जिंदा भट्टी में भी झोंका जाए तो भी बुरा नहीं होगा। और सुन मामे, आज से तुम मालिक नहीं बल्कि नौकर हो, और जो हमारे खेतों में 30-40 आदमी काम करते हैं उनमें से एक हो, यही तुम्हारी सजा है। मैं खेतों में काम नहीं करूंगा। चुप। मैं खेतों में काम करूंगा, मगर मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। क्या? ये जो मेरी बीवी है ना, ये भी उस चोरी में बराबर की हिस्सेदार थी, मैं चाहता हूँ ये भी खेतों में काम करे। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। देवता समाज पति पर हाथ उठाती है।